डर के आगे जीत है और मैं जीतने वाली हूँ। हम यहीं पर शैक पे ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। Everything is ready, the candle light, the cake. This is so pretty, yaar. सही में ये लगवाने के लिए गए थे क्या? Celebrating my anniversary with mom and dad. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट। इट्स 9:30 इन द मॉर्निंग। सुबह यार पता नहीं इतना सही नींद आ रही थी, इतनी सही नींद आ रही थी, बिल्कुल उठने का मन नहीं था। बट ब्रेकफास्ट अच्छा है तो फिर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, वरना मिस हो जाएगा। आँखें नहीं खुल रही हैं। सनशाइन, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। उसके बाद फाइनली अब जाऊंगी पूल। पूल रह गया ना, दिमाग खराब हो जाएगा। स्पा भी नहीं लिया, पूल भी नहीं लिया, क्या किया? नाउ गोइंग टू द ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू गेट? टेबल नंबर 22। आई रियली वांट टू हैव सिंपल साउथ इंडियन फूड एंड सम फ्रेशी फ्रेशी डिशेस। तो क्या क्या? I'm gonna have this strawberry milkshake. Finally, we got the idli. Oh yeah. Aloo gonda and parantha also. I like donuts lover. Marble cake? Yeah, this one I want too. हर के ले आएंगे लेकिन खाएंगे लिमिटेड ही। बेस्ट चीज़ मतलब जितना लाए उतना तो खाएंगे, पर मन कर रहा है सब खाएंगे। पूल चले थे ऐसे तो सब रह ही जाएगा, ये क्या मतलब हुआ? सोते रहो, इतना मस्त बैठ। मेरी तो आंखें अभी भी ऐसा लग रहा है खुल नहीं रही है, सूज रही है। खाए हो उतना नहीं है ऐसा लगेगा कि मौत खाया नहीं, थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट करने में। भाई अपने पेट इतने ही हैं यार, भर जाते बहुत जल्दी। सो यार गणेश जी की मूर्ति बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी सी। ये चलो पूल चले। फाइनली पहले लग रहा था अब नहीं जाएंगे, पर जाना था कैसे नहीं। इस जतिन का बस चले थे तो पूरा पसरने के मूड में। मैच भी है ना इंडिया इंग्लैंड का, रात में अलग है में अलग है, दिन का दिन में एकदम नेचुरल लाइट्स जो आ रही है ना, अमेजिंग। मॉर्निंग में यहाँ पे किसी की कोई पार्टी चल रही थी, ऑफिशियल पार्टी। पूल में तो कोई नहीं है, बट पूल इज डैम ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बेस्ट पूल्स विच आई हैव सीन इन रिजॉर्ट। मुझे सबसे सही इनके ये जो कलरफुल टाइल्स हैं, यही बाथरूम में है, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग। चलो कोई तो आया, पहले बोल रहा था भाई बिल्कुल गहरा नहीं है यार ये 10 मिनट है। तो पूल में एंटर करने से पहले वी हैव टू टेक शावर। यस हाँ,
स्कूल से निकले, शावर लिया एंड देन गोइंग। वैसे हम लोगों की फ़्लाइट रात की है तो चेकआउट अभी करके, तो हम लोग अभी रिजॉर्ट में ही इधर उधर घूमेंगे और बीच में हम लोग यहाँ से 7-8 के बीच में निकल जाएंगे फॉर एयरपोर्ट। 11:30 बजे फ़्लाइट है, तो तब तक क्या करेंगे, टाइम पास करेंगे, खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। अभी टीटी चलो हराते हैं तुम्हें। ये बैक साइड आ गए ना हम एकदम प्रॉपर्टी के, काफी सही है इधर। हम से जॉगिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग 2-3 दिन के लिए आ रहे हो तो मस्त मजे आए। एक दिन में तो ये लगे कि बस आए और गए, पर फिर भी हम तो हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं लगा कि जल्दी किया है, रिलैक्स भी किया। क्या है सही है, कल हमने डिनर किया था शेक पे जो हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था, तो भाई बहुत सारे टैक्सेस लग के बिल हो गया इतना। तो यहाँ पे आओ और टैक्सेस के साथ हर चीज़ का प्राइस पूछो और फिर ऑर्डर करो, वरना लगेगा हमने तो सही ऑर्डर किया था पर टैक्स लेके वही उतना ही बैठ गया। पहले मिंट वाटर पी लेते हैं फिर वॉशरूम जाएंगे। अरे फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आराम से चेकआउट करो, फुल चिल मारो, पूल साइड पे बैठ जाओ, बेड्स पड़े हैं, सो जाओ, लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 6-7 घंटे स्पेंड कर सकते हो आप लोग। रूम अपना, अपना रूम हो नो मोरा रूम हमारा। बैठ जाए इधर, घर लेते ये तो खुद धूप में जल रहा है तो। अरे यार झूले झूल लेते हैं, चलो ये ठीक है। यार झूले झूले झूले, अरे यार खुद उतर, यार तुम्हारी बहुत गलत आदत है, कोई इंसान गिर जाए मतलब उतरने में यहाँ गेट को भी खोलने के बाद पीछे ध्यान नहीं देता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, पट पड़ी बहुत बार लगी है मेरे, दिस कम्स इन एटिकेट्स। अरे यार मस्त, मैं झूला झूलना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज। अरे रे आलसी, कहीं पे भी बैठ दिख जाए पसर जाएगा बैठने का कुछ। एंड वी सेलिब्रेटेड आवर फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। ये वो जगह जो रात को आप लोगों को ऐसी दिख रही है, अब देखो सुपर व्यू, सुपर व्यू। यहाँ हम लोग बैठे थे टेबल पे, एक्चुअली दिस प्लेस इज फेमस फॉर सी फूड। हमने बोला भैया हम सी फूड तो खाते नहीं है, वी आर प्योर वेजिटेरियन। तो वे वहाँ से ला के उन्होंने पूरा हमें दिया था अंदर वाले इनके होटल के टाइम से। यहाँ पे भी बैठ जाए, बैठ जाओ। सो वी आर बैक ऑन बीच। मेरे को बहुत सही लग रहा है यार ये बीच, कोई भी नहीं है कोई भी इधर। सो दिस इज ओटोर्दा बीच गाइस, ये है एक्चुअली में हिडन बीचेस में जो आता है सीक्रेट बीच, और यहाँ पे ही बस बीच पे ही हम लोगों का रिजॉर्ट है। आराम से हम वहाँ बैठे थे रात को एंड वी एंजॉयड आवर डिनर। को तो लाइट्स वगैरह जलती है तो कैफे का लिट माहौल लगता है शायद। एक्टिविटीज तो है यार, एक देख बैठे तो पूरा हसल बसल वाला गोवा घूम लो, नॉर्थ घूम लो, फिर थोड़ा साउथ आ जाओ थोड़ा काम, फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ बिल्कुल, और फिर घर जाओ एकदम रिलैक्स होके। फ्रेशनेस ऑफ द एयर, ब्रीजी एयरी एंड सनी डे।
मैं शायद एक एक बस फ्रूट और ये सब चीज़ बस ऐसे टेस्ट 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 टेस्टर हो गया था मेरा तो टेस्टर टेस्टर खाया नहीं खाने चले कुछ। लेकिन मेरे को गोवा की सबसे अच्छी बात ये लगी जहाँ पे भी हमने खाया जहाँ पे भी खाया था फूड बहुत ही अमेजिंग। नॉर्थ इंडियन फूड ही खाते हैं हम लोग तो इटालियन चाइनीज नॉर्मल नॉर्मल वेज वगैरह बहुत अमेजिंग। जो लोग गोवन फूड के लिए आते हैं वो लोग स्पेशली और जान पाएंगे कि ये फूड कैसा है। वाह यार ये तो दिस सॉर्ट ऑफ मस्त ऐसे ब्रिज काइंड ऑफ बना रखा है। एक हम भी यहाँ पे शेक नहीं ले सकते कितनी जगह है यार यहाँ तो एक शेक ले लेते हैं सही में। जैसे जैसे ये पॉपुलर होने लगेगा सारे लोग आ जाएंगे। बेबी यार रुक जा सही में आ जाओ। डर लग रहा है यार मेरे को तो। ऐसा नहीं होता है कि डर में जबरदस्ती गिर जाता है इंसान गिरना भी नहीं होता तो जबरदस्ती डर में पैर कांप रहे हैं लग रहा है कि गिरी गई तो इंसान गिरेगा नहीं कुछ होगा भी नहीं लेकिन डर में काम खराब हो जाएगा इसलिए डरो मत। डर के आगे जीत है और मैं जीतने वाली हूँ क्योंकि मैं डरी नहीं। यस आई डिड इट। ये हमारे रिजॉर्ट में थोड़ी आता है कहाँ गया मैं किससे बात कर रही हूँ वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये रिजॉर्ट था ना ये कोई। अबे यार फिर से शैक्स निकल गए इतने दिनों से शैक्स भी खा रहे थे ये कुछ अच्छा लगा जाते जाते यहाँ से खा लेते हैं कुछ जूसेस वगैरह ले लेते हैं। यार मैगी नहीं खाई हमने बहुत यार सूपी मैगी साउथ का सुंदर सा गांव होता है ना वो लग रहा है मस्त विलेज है यार यूपी यूपी और वहाँ के विलेज देख लो और यहाँ के देख लो मस्त लग रहे हैं। ज़्यादा नहीं अभी थोड़ी मैगी खाई थी क्योंकि यहाँ पे समोसा और बढ़िया पकौड़े मिले आंटी के यहाँ मन कराया देख के कि एक प्लेट बनवा लेते आंटी गरम गरम बना के दे रही है बस। फाइनली कुछ तो मैंने शॉप कर लिया मैग्नेट अच्छी लगी वो हमने ले ली। मज़े लिए थे यहाँ पे सुबह हमने मज़े लिए अब यहाँ पे फैमिली है बहुत बड़ी वो सब मज़े कर रहे हैं पूरी मस्त टाइम पास हो गया यार। चेकआउट कर लो रात की फ्लाइट हो कोई दिक्कत नहीं यार काफ़ी ज़्यादा सही 5-star लग्जरी प्रॉपर्टी है और इसका इनॉग्रेशन 2015 में हुआ था बाय शाहरुख खान एंड गौरी खान। और हाँ ये जो प्लेनेट हॉलीवुड की जो थीम है वो लास वेगास में है एक और प्लेनेट हॉलीवुड वहाँ से इंस्पायर्ड है। और यार इसका ओनर जो है वो आप लोग पता नहीं जानते होंगे या नहीं दैट इज़ सचिन जोशी एक्टर है जिसका एक गाना नहीं आया था सनी लियोनी के साथ कभी जो बादल बरसे तो उसमें था उसका है ये मतलब प्लेनेट हॉलीवुड। सो गाइज अब कैब आ गई है नाउ इट्स टाइम टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट इज जस्ट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम उटौदा बीच सो फाइनली इट्स टाइम टू रीच आर नागपुर। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है गोवा से जाने का स्पेशली दिस प्लेस आई एम इन लव विद दिस रिजॉर्ट। थैंक यू तो बेस्ट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एयरपोर्ट इज द वॉल आर्ट। अभी सही में सोचो ये हवा कहाँ से आ रही है इतनी तेज तेज जैसे ऊपर यार मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना बड़ा गाँव तुमने देखा किसी एयरपोर्ट पे? मैंने तो देखा यार देखो इतना बड़ा फैन।